कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े को कितना प्यार करती है इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। लेकिन जब एक माँ अपनी दुदमुही बच्ची का दुश्मन निकल जाए तो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। पर जमालपुर थाना क्षेत्र के रामपुर कॉलोनी में दीवार से सटी झाड़ियों में एक माँ ने अपनी दुदमुही बच्ची को लाकर फेंक दिया। लेकिन ठीक उसी समय धरहरा थाना क्षेत्र के इटवा पंचरुखी गाँव निवासी मध्य विद्यालय रामनगर के प्रधानाध्यापक मुकुल प्रसाद पाठक उधर से गुजर रहे थे, जिन्होंने बच्ची को रोता देख अपनी गोद में उठा लिया और पुलिस को इसकी सूचना देकर नवजात को अस्पताल ले आए। निसंतान प्रधानाध्यापक ने उस बच्ची को विधिवत गोद ले लिया। वहीं डॉक्टरों ने बच्ची की जांच कर बच्ची को स्वस्थ बताया है। साथ ही बच्ची को स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीका भी लगवा दिया गया है। बच्ची के नए माता पिता ने उसका नाम लक्ष्मी रखा है। सन्मार्ग के लिए मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट। ये बच्ची रामपुर कॉलोनी के कहीं रोड पर कचरे में पाया गया जी, जहाँ राहगीरों ने देखा, रोते हुए पाया और उसको गोद लेके मेरे पास आ गया। साथ में पुलिस कर्मी भी थी जी, जिसका हमने स्वास्थ्य परीक्षण किया और बिल्कुल सही पाया गया, स्वस्थ पाई गई बच्ची। और जो हमारे तरफ से उसका होना चाहिए था इम्यूनाइजेशन के लिए, तो हमने इम्यूनाइजेशन के लिए उसको भेज दिया और अच्छे तरह से एक दिन के बच्चे का जो इम्यूनाइजेशन का लेवल है उसको पोलियो ड्रॉप पढ़ना चाहिए, हमने पिलवा दिया, बीसीजी पढ़ना चाहिए, बीसीजी दिलवा दिया और हिपेटाइटिस बी का टीकाकरण। रामपुर कॉलोनी के दीवार किनारे झाड़ी से जी, किस हालत में थी बच्ची? रोते हुए थी और एक महिला के गोद में थी, वहीं पड़ोस में हम उधर से गुजर रहे थे। हमें क्या है क्या, बोला बच्चा फेंका हुआ था, हमने अपने गोद में ले लिया और थाना को खबर किया कैसे है। थाना बोले चलिए पहले हॉस्पिटल, बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आ गया हूँ। मैं निसंतान हूँ, मैं इस बच्चे को पूछना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, गोद लेना चाहता हूँ। तो क्या आपने अडॉप्ट कर लिया? हाँ। क्या करते हैं आप पैसे से? मध्य विद्यालय रामनगर में प्रधानाध्यापक हेडमास्टर हूँ। मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।